7 दिन में पाकिस्तान को हरा सकता है भारत। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का मानना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत पाकिस्तान को उकसाने पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी हाल ही में कह चुके हैं कि भारतीय सेना चाहे तो सिर्फ 7 दिन में पाकिस्तान को हरा सकती है। लेकिन क्या वाकई में ये संभव है? भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस हैं। सैन्य शक्ति में दोनों ही ज्यादा मजबूत होने का दावा करते हैं। फिर सवाल सिर्फ सैन्य शक्ति का ही नहीं, आखिर पाकिस्तान को 7 दिन में हराने का मतलब क्या है? क्या 7 दिन में किसी युद्ध का नतीजा तय हो सकता है? जी हाँ, संभव है। 1971 की जंग भारत ने 13 दिन में जीती थी। भारत ने अपने इतिहास में 2 पड़ोसियों के साथ ऐसे युद्ध लड़े हैं जो एक तरफा निर्णायक माने जाते हैं। पहला युद्ध 1962 में चीन के साथ हुआ। ये लड़ाई रुक रुक कर करीब 1 महीने तक चली थी। अंत में चीन ने युद्ध विराम की पेशकश की थी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया था। इसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की हार के तौर पर देखा जाता है। ठीक इसी सिद्धांत पर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत जीता था। युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन ढाका में सरेंडर के बावजूद पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से जंग जारी थी। उसी वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को युद्ध विराम की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया था। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे वन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।